कपकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैखेत में किराए के मकान में रह रहे नेपाली मजदूर ने कहा सुनी के बाद अपनी पत्नी की धारदार चीज से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने अपना गला काटने का भी प्रयास किया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। बता दें कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों गैखेत कपकोट मार्ग पर डामरीकरण सुरक्षा दीवार निर्माण का काम चल रहा है। इसमें नेपाली मूल का सगुने कामी उम्र 35 वर्ष भी मजदूरी का काम करता था। वो अपनी 32 साल की पत्नी शारदा और 3 बच्चों के साथ गैरखेत कपकोट में मनोहर राम के मकान में किराए पर रह रहा था। गुरुवार की शाम जब वो काम के बाद शराब के नशे में घर पहुंचा और रात 1 बजे करीब उसकी बीवी के साथ उसकी कहा सुनी हुई, तो उसने नशे में अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे शारदा की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।